अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमर और आप लोग देख रहे हैं अहमी टेक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काइन मास्टर में वीडियो के दौरान सब्सक्राइब और बेल इंडिकेशन कैसे दी जाती है। व्यूअर्स, सबसे पहले आप लोग ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब एंड बेल आइकन डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, अहमी टेक को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोगों ने आ जाना है काइन मास्टर में और न्यू प्रोजेक्ट पे जाके 16:9 की आपने सिलेक्शन करनी है। फिर आपने मीडिया में से जाके कोई भी वीडियो जिसके ऊपर आप वो इफ़ेक्ट्स लगाना चाह रहे हैं वो आप चूज़ करेंगे। जैसे कि मैं ये वीडियो चूज़ कर लेता हूँ, इसको ओके किया। अब ये वीडियो है जिसके अंदर मैं इफ़ेक्ट्स ये प्ले करके दिखा दूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसके अंदर हम लोगों ने भी सब्सक्राइब का और बेल का इंट्रो लगाना है ताकि वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को बता सकें कि जी ये मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। तो उसके लिए हम लेयर में जाएंगे। जो आपने ग्रीन स्क्रीन बटन आपने किया हुआ है डाउनलोड, जिसका मैंने लिंक दिया था, उसको आप लोगों ने इसके अंदर ले आना है। तो ये इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है फ्रेंड्स। तो ये चूंकि ग्रीन स्क्रीन है, इसको आप इस तरह ड्रैग करके देखें तो इसका आप वीडियो के हिसाब से साइज़ आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है वहाँ पे इसको रख के उसके बाद आपने ये क्रोमा की में जाना है और इसको इनेबल कर देना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में इस जगह पे लग गया है। अभी आप इसको प्ले करके अगर देखेंगे तो अभी चूंकि वीडियो बैकग्राउंड में पीछे जो इसकी प्राइमरी वीडियो है उसके अंदर शोर है, उसका अपना साउंड है, अगर आप उसको कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो के इस पार्ट को यहाँ से आपने करना है स्प्लिट एट प्ले हेड पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको फिर ड्रैग करके देखेंगे कहाँ तक ये जा रहा है। यहाँ पे फिर इसको आप स्प्लिट करेंगे और ये जो पार्ट है इसका आप बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म कर देंगे ताकि वीडियो के दौरान उसका शोर ना आए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अभी, तो फ्रेंड्स ये ग्रीन स्क्रीन सब्सक्राइब और बेल का जो बटन है वो आपने अपने वीडियो के अंदर इनेबल कर लिया है। ये एक जगह पे नहीं, आप डिफरेंट जगह के ऊपर इसको प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह एक दफ़ा फिर दोबारा जाएं आप और उसको दोबारा चूज़ करें, उसका साइज़ एडजस्ट, आप यहाँ से वीडियो को फिर स्प्लिट करें और यहाँ से फिर वीडियो को स्प्लिट कर दें और इस पार्ट का वॉल्यूम फिर ख़त्म कर दें और क्रोमा की को इनेबल कर दें। तो फ्रेंड्स, इस तरह ये आप एक ही वीडियो के अंदर इसको मुख्तलिफ जगह के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेथड था इसका। उसके बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट में जाना है और जिस तरह का आप इसका करना चाहते हैं, HD में, फुल HD में या ST में,
ताकि आपने अपना जो डाटा अपलोड करना है उसको एडजस्ट करने के बाद आप सबसे बेटर जो है वो यूट्यूब अपलोड करना है। उसके बाद आप 24/7 की सिलेक्शन करके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और ये आपकी वीडियो रेडी है, जिसके अंदर आपने ग्रीन स्क्रीन इंट्रो लगा दिया है सब्सक्राइब का और बेल आइकॉन का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। मज़ीद एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।